नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ कि आप सब लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे वाला बटन है उसको दबाकर पर सेट कर दो। चलो, इस फॉर्मेलिटी की बात हो गई, वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ पे टू इवेंट्स की वाले में, पेड इवेंट के बारे में। बात ऑब्वियस सी बात है, हम खरीदते तो नहीं है लेकिन बताना तो ज़रूरी है ना कि इवेंट आने वाला, हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ पसंद आ जाए और आप खरीदना चाह लो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम टोकन टावर इवेंट की, जो कि कल आ जाएगा। तो टोकन टावर इवेंट आएगा, इसमें फिस्टिक स्किन आ जाएगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डायमंड खर्च करना पड़ेगा। इसकी कोई भी ट्रिक, खास ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, लगभग 3,000 डायमंड है तभी डायमंड स्पेंड करना। अगर आपके पास 3,000 से डायमंड कम है तब स्पेंड बिल्कुल भी मत करना, स्पिन मत करना, क्योंकि अगर आपका लास्ट वाला है वो रह जाएगा, शुरू वाले आपके 3 से 4 बहुत जल्दी निकल जाएंगे 1,000 में ही, लास्ट वाले के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा डायमंड खर्च हो जाएंगे और फिर आप बोलोगे भाई मेरा एक लास्ट बचा है प्लीज़ 200 डायमंड दे दो। ऐसा मैंने हर बार देखा कि यही बंदों की डिमांड रहती है, भाई मेरा लास्ट स्पिन बचा है कोबरा MP40 में, 599 डायमंड का है भाई, आप टॉपअप कर दो। तो भाई तो अगर तुमको पता है कि इतने में निकलने वाली है स्किन या फिर जो भी चीज़ें इतने में निकलने वाला आइटम, तो उससे पहले उस वीडियो को देख के पता कर लो कि इतना डायमंड में निकल जाएगा, तभी अगर आपको कन्फर्म हो जाता है तभी स्पिन क्या करो। अब आप खाली हो जाते हो, कुछ भी नहीं बचता है, तो दिक्कत क्या, तो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देगा डायमंड, फिर आपके जितने डायमंड आपने स्पेंड किए वो भी चले जाएंगे और जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। ये इवेंट कल आ जाएगा। इसके बाद एक और इवेंट आएगा जो कि फेडरेटिव वाला इवेंट है, तो वो भी हमारा बहुत ही अलग गेम आ जाएगा। इसमें मेल वाला बंडल, जो ब्लू कलर का मेल का बंडल है विंटर वाला, वो आपको इस फेडरेटिव में देखने को मिल जाएगा। तो ये दो नए फेडरेटिव हो गए, एक टोकन टावर इवेंट होगा, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग भी मेरी तरह नो टॉपअप प्लेयर हो और आप सिर्फ स्पेशल एयरड्रॉप परचेस करते हो, तो स्पेशल एयरड्रॉप किस तरीके से आता है वो मेरे चैनल पर वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिए। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है, मैंने जो भी बताया उस वीडियो में सब कुछ सच सच है, मेरी खुद की आईडी में मैं ये चीज़ करता हूँ, हर महीने एयर ड्रॉप आता है, सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ सच है। किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखोगे कोई भी ट्रिक फेक ट्रिक बताएगा कोई मतलब नहीं है। आप 15-20 दिन आईडी को बंद रखोगे तो वैसे मैंने आपको बताया कि महीने के अंदर तो आ ही जाता है, आईडी बंद रखने का कोई फायदा नहीं, आपके जितने फ्री रिवॉर्ड्स है वो मिस हो जाएंगे, तो आईडी बिल्कुल भी मत रखना। साथ ही मेरे इनकम जो अगर बुआ वगैरह करोगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, अगर करके देखना चाहते हो तो कर लेना, जो मैंने बताया वो ट्राई करके देखो यार, 100% आएगा। अगर आपकी मेन आईडी में नहीं आ रहा तो एक बार नूब आईडी में ट्राई करके देख लो, आपको सच में वो चीज़ें पता चल जाएगी कि हाँ भाई तुमने जो बताया था वो एकदम एक्यूरेट है। अगर फिर भी विश्वास नहीं होता तो जब मेरा एड्रॉप आएगा फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि देख लो मेरा वापस से एड्रॉप आ गया है। बाकी नूब आईडी में मैं आपको हो सकेगा तो दिखा दूंगा एक दो दिन के अंदर अंदर, तो चैनल पर बने रहना, आपको सब कुछ जानकारी मिलती जाएगी। अब हम बात कर रहे थे कि जो नई M87 की स्किन है वो कब आएगी हमारे गेम के अंदर, जो इंक्यूबेटर में आने वाली थी, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वो इंक्यूबेटर में नहीं आने वाली, वेब इवेंट में आएगी। मतलब अच्छे खासे डायमंड खर्च करना पड़ेंगे गेमिंग डाइस से, जो भी डाइस द रोल ऐसे कुछ इवेंट आएगी जहां पर आपको अच्छे खासे डायमंड खर्च करना पड़ेगा। कितने डायमंड खर्च करना पड़ेंगे, कब आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर डेट की बात करें तो जनवरी के अंदर आने वाली, जनवरी मंथ में, जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में। अगर मैं कंफर्म डेट की बात करूं तो कंफर्म तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ 6 या 7 तारीख के बाद में आपको 20 तारीख से, मतलब कि 7 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी देखने को मिल सकती है M87 की स्किन। और अगर आपको टॉप वाली निकालनी है, मतलब कि बेस्ट एट्रीब्यूट्स वाली निकालनी है, तो लगभग आपके पास 4,000 डायमंड होना चाहिए, लास्ट वाले निकालनी है तो 1,000 डायमंड में निकल जाएगी। बाकी आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका लक बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ तो फिर ज्यादा हो सकते हैं, और लक बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो थोड़े से डायमंड कम भी लग सकते हैं। और आप लोग भी अगर M87 की स्किन निकालने की सोच रहे हो, डबल डैमेज वाली अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, रेट ऑफ वार आपको लगता है उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है, तो भाई रुको जरा, सब्र करो, आपको कल की वीडियो का वेट करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि M87 में बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है OB32 अपडेट में। अब उस चेंज के क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कल की वीडियो जरूर देख लेना जो कि OB32 अपडेट से रिलेटेड होने वाली है। आपको देखो जो चीज़ें जानना चाहिए वो आप जानते नहीं हो, फालतू की इवेंट्स की वीडियो देखते हो, तो मैं आपको OB32 अपडेट की वीडियो कल अपलोड कर दूंगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को समझाऊंगा कि कौन सा पॉइंट क्या बता रहा है, क्या चेंज होने वाला है। तो आपको कल वाली वीडियो जरूर से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। यहाँ पे M87 में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, जैसे कि पूरा M87 का जो स्ट्रक्चर है या डैमेज वगैरह सब कुछ बदल जाएगा। और अभी आपके पास डायमंड बचे हुए हैं, कुछ परचेस नहीं किया, तो थोड़ा सा रुक जाना, 1 जनवरी का वेट कर लेना, क्योंकि न्यू ईयर पर कुछ स्पेशल इवेंट भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि लक रॉयल में काफ़ी सारी ऐसा हो सकता है कि गन्स आपको दे दे रिटर्न में और आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाए, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। 1 जनवरी से पहले पहले डायमंड मत उड़ाना, कोई भी इवेंट आता है तो तुरंत डायमंड मत उड़ा देना, इवेंट काफ़ी दिनों तक चलते हैं, तो 1 जनवरी का वेट कर लेना ताकि आपको कोई अच्छा सा अगर पेड इवेंट आता है तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसमें स्पिन कर देना, या फिर आपको जो भी फेडरेटिल में स्पिन करना हो वहाँ पर कर देना, जहाँ पर भी करना आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन हाँ 1 जनवरी का वेट कर लेना ताकि आपको अगर कोई अच्छा इवेंट आता है तो उसमें भी आप उसको मिस ना करो।